Hey guys, welcome back to my channel again. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वापस से शिव मूर्ति क्यों आया हूँ। तो जब मैं आया था उस टाइम लाइट एंड नाइट शो चालू नहीं हुआ था, तो अब लाइट एंड नाइट शो चालू हो गया इसका। तो अभी आप लोगों को मालूम है कि पीछे की साइड में टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट ले लेते हैं। अभी 200 रुपीज़ का टिकट में ही काम हो जाएगा, क्योंकि लाइट एंड नाइट शो ही देखना है अपन को। अभी चलते हैं, एक बार टिकट लेते हैं और फिर देखते हैं कितनी बजे लाइट एंड नाइट शो चालू होता है और कितनी देर का होता है वो। थैंक यू। तो गाइज वो का वही सेम प्रोसेस अभी हमने किया है। टिकट ले लिया था 200 रुपीज़ का, उसके बाद जो स्कैन किया टिकट उन्होंने यहाँ पर गेट पर, तो वो स्कैन करके अब हम अंदर आ गए। वो पीछे रहे शिव जी। तो अभी लगभग बज रहे हैं 5, जो लाइट एंड नाइट शो जिसको ये लोग कहते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग, बहुत खूबसूरत होती है। पहले जब टेस्टिंग चल रही थी तब मैंने देखी थी, अब फाइनली लॉन्च हो गई। तो अभी रोज 7 बजे होती है, तो इसको देखेंगे कैसा होता है। तो लगभग 2 घंटे अभी एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते कि कैसी होती है 7 बजे। तो गाइज अपन ने यहाँ से एंट्री ली, ये शिवलिंग था, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। ये जो रेड कलर की मूर्ति थी पहले, अब ये गोल्डन कलर की हो गई है, और उधर जो गणेश जी की मूर्ति थी वो भी गोल्डन कलर की हो गई है। साथ में पीछे की साइड में पहले मैप नहीं था, वो मैप भी इंक्लूड कर दिया कि आप लोगों को डायरेक्शन रहे यहाँ एंट्री पॉइंट पर कि कहाँ से जाना है, कहाँ से एंट्री है। और वो पीछे की साइड में जिप लाइन लगी हुई है जिसका चार्ज 300 रुपीज़ था। तो अब चलते हैं अपन नीचे और देखते हैं कि और क्या क्या नए नए चेंजेस हुए हैं, और जब तक लाइट एंड नाइट शो चालू हो ही जाएगा तो फटाफट से चलते हैं नीचे। तो एंट्री लेने के बाद अपन जब नीचे आते हैं, पीछे की साइड में जहाँ जिप लाइन लगी हुई है, तो पिछली बार ये वाला जो फूड कोर्ट है वो चालू नहीं था, सिर्फ एक आगे वाला ही चालू था। तो अब ये भी स्टार्ट हो गया है, अब आगे चल के देखते हैं और क्या क्या नए नए चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। तो ये है संगम स्थल, मोस्टली यहाँ पर फोटो के लिए इसको बनाया गया। यहाँ से एग्जैक्ट फोटो आती है पीछे शिव जी की और नंदी की, तो ये फोटो है। अब इससे अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे और क्या क्या एक्सप्लोर करने का है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इस संगम स्थल में मोस्टली जो पहले ऐसी बस वगैरह इतनी नहीं चलती थी, और बच्चों के खेलने के हिसाब से भी गेम जोन अच्छा डेवलप हो गया यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ मतलब चेंज हो गया फर्स्ट डे से लेकर के अभी। और जिप लाइन पर भी बहुत भीड़ है, मतलब बहुत आज भीड़ भी बहुत है। अब लगभग बज रहे हैं 5:30, तो अभी हमको 1.5 घंटे और एक्सप्लोर करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि लाइट एंड नाइट शो कैसा होता है। Thank you.
गाइस थोड़ा और अपन आ गया है संगम स्थल से, तो वहाँ पर गेम जोन अच्छा खासा बना दिया किड्स के लिए भी, और ऊपर एडल्ट्स के लिए था गेम जोन, नाले चढ़ के ऊपर की साइड में एडल्ट्स के लिए था, वो भी अच्छा खासा बता दिया। और जो भी प्राइसिंग थी गेम जोन की एक एक राइड की, वो भी मैंने मेंशन कर दी वीडियो में, तो आप देख लेना अगर आपको करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हो। अब अपन थोड़ा सा ऊपर चलते और देखते आगे और क्या क्या चेंजेस हो, क्या क्या नया बना है और क्या एक्सप्लोर और नया कर सकते हैं। मतलब जितनी बार भी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे इतना मस्त लग रहा है, सारे स्पीकर्स इन्होंने चालू कर दिए, फर्स्ट डे चालू नहीं थे, तो यहाँ पे जो शिव जी के भजन है वो चलते रहते हैं यहाँ पे। और उस दिन म्यूजिकल फाउंटेन भी नहीं चल रहा था, जो मैंने आपको बताया वो म्यूजिक की बीट पे उस हिसाब से वो फाउंटेन चलता है, तो वो भी अच्छा था। आज मैं लकीली देख पाया फाउंटेन को, क्योंकि उस दिन तो चालू नहीं था। तो हम फूड कोर्ट से आगे बढ़े, उसके बाद जैसे ही हमने लेफ्ट लिया, पहली थी पुष्प वाटिका, उसके बाद थी अशोक वाटिका, और ये जो हाँ मैं खड़ा हूँ ये तीसरी वाटिका जिसका नाम है तुलसी वाटिका। तो ये है, अब आगे नंदी है, और नंदी के नाले ऊपर चढ़ के शिव मूर्ति है। तो अब चलते आगे। अब मैं इंसिस्ट करूँगा अगर किसी ने मेरा फर्स्ट शिव मूर्ति का ब्लॉग नहीं देखा तो कम्प्लीट देख लेना, उसमें शिव मूर्ति के अंदर का पूरा एक्सप्लोर किया, इवन जो अभिषेक होता है 1100 रुपये का वो भी मैंने एक्सप्लोर किया है, तो सब कुछ देख लेना। मैं 369 फीट के टॉप पे गया था शिव जी के हेड के वहाँ पर, तो वो अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देखना, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि उसमें क्या चेंजेस थे और अभी आज मैं आया हूँ तो क्या चेंजेस हो गए हैं। गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 200 रुपीज़ में अपन शिव जी के अंगूठे तक जा सकते हैं, तो अपन ने आज 200 रुपीज़ का ही टिकट लिया, तो अपन यहाँ तक आ गए। अपन ने ऑलमोस्ट वापस से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है, अब बस एक लाइट एंड नाइट शो बच रहा है, यानी कि 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, वो देख लेते हैं। अभी लगभग बच गए हैं 6:30, तो हाफ एन आवर में स्टार्ट हो जाएगी, तो वो देख लेते हैं। फटाफट से चलते अपन संगम स्थल, वहाँ से बैठ करके अपन 3D प्रोजेक्शन मैपिंग देखेंगे। तो लगभग हाफ एन आवर है, तो अभी हम जाएंगे शूज़ वूज़ पहनेंगे और वहाँ पर पहुँचेंगे और बैठेंगे, उतनी देर में चालू हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं क्या वो क्या है और आप लोगों को वो कैसा लगता है। ऐसा देख ले तो कुछ मिल रहा है क्या, रास्ता भूल भुलैया। तो गाइस भूल भुलैया का रास्ता तो सेम ही है, वो सीधे घुसो, लेफ्ट लो, फिर लेफ्ट लो, और फिर सीधे 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 बाहर आ जाओ। तो भूल भुलैया से हम बाहर आ गए, ये पूरी भूल भुलैया है, और हमने जहाँ से ये ब्लॉग स्टार्ट किया था जो एंट्री गेट था, हम वापस वापस आ गए। ये पीछे गणेश जी की मूर्ति, उधर शिवलिंग बन रहा है, और हनुमान जी की मूर्ति। तो जहाँ से हमने एग्जैक्ट स्टार्टिंग की थी वहाँ पर हम आ गए हैं। अब बस एक ही बचता है इस ब्लॉग में, लाइट एंड नाइट शो, तो वो देखने चलते फटाफट से। Shiva Namah Shivaya 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 Namah Shiv
फल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिलाया नहीं जा सकता। Thank you.
कुछ पूरा लाइट एंड नाइट शो जो था 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, ये 23 मिनट्स का था पूरा, तो इसको पूरा तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन मैंने जो की मूवमेंट्स थे वो सब डाल दिए। तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें था क्या। मेनली शिवजी की लाइफ के बारे में जो की मूवमेंट्स है वो पूरा हमको 3D प्रोजेक्शन मैपिंग में समझाया जाता है 23 मिनट तक। और मेरे हिसाब से आपने जो देखा वो इतना सुंदर था ना, आंखों से देखने पर इतना सुंदर लग रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो पाया मैंने इस फोन से कवर करने की कोशिश की और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। तो ये रात में टिकट काउंटर भी इतना सुंदर लगता है। तो जो चीज़ें मैंने दिन में कवर की थी उस टाइम, आज वही चीज़ें मैंने सब रात में कवर की, और नाइट में जो भी सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो अगर आपको ये वीडियो रियल में अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।